111 साल पहले एक इंसान की कठिन तपस्या से आज भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया भर में कामयाबी का परचम लहरा रहा है। जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, वो काम दादा साहेब फाल्के ने करके दिखाया था। टेक्निकल और फाइनेंशियल मुद्दे जितना गंभीर नहीं था, जितना कलाकार को ढूंढना कठिन था। यहाँ तक नाटक मंडली की दादागिरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ के लोगों ने दादा साहेब फाल्के को कोई भी सहायता की नहीं। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए बड़े परिश्रम के बाद कलाकार तो मिल गए, पर तारामती के किरदार के लिए कोई भी महिला एक्टिंग करना नहीं चाहती थी। कोठा और नाच गाना करने वाली महिलाओं ने भी फिल्म में एक्टिंग के लिए मना कर दिया। आखिरकार तंग आकर उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को अभिनेत्री बनने को कहा, परंतु वो खुद बाकी डिपार्टमेंट में व्यस्त थी। सेट पर सबके लिए खाना बनाने से लेकर फिल्म की एडिटिंग करने तक सभी प्रकार के काम सरस्वती कर रही थी, इसलिए उन्होंने भी मना किया। एक दिन दादा साहेब फाल्के ग्रांट रोड के एक होटल में बैठकर सोच रहे थे। कुछ मिनटों बाद पतले से एक शख्स ने उन्हें खाना परोसा। ये देखकर दादा साहेब फाल्के ने जोर से कहा, प्रतिमाह 15 रुपए मिलेगा। 15 रुपए प्रतिमाह सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और इस तरीके से ढाबे पर वेटर का काम करने वाले अन्ना सालुंके के रूप में भारतीय सिनेमा को पहली अभिनेत्री मिली। मात्र 15,000 रुपए के बजट में बनाई गई राजा हरिश्चंद्र फिल्म ने पूरे मुंबई में तहलका मचा दिया। उसके बाद दादा साहेब फाल्के चलता फिरता थिएटर बनाकर अलग अलग राज्यों में जाकर फिल्में बनाने लगे। दादा साहेब फाल्के ने तो फिल्म बनाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दी थी, परंतु अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया। सोचने वाली बात ये भी है कि अगर अन्ना सालुंके तारामती का किरदार निभाने से इनकार कर देते तो क्या भारत में पहली फिल्म बनती। इसलिए अन्ना सालुंके का योगदान बड़ा अनमोल है। आगे चलकर अन्ना सालुंके ने दादा साहेब का साथ कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने उनसे फिल्म मेकिंग की पूरी प्रक्रिया सीख ली और खुद भी कैमरा के पीछे रहकर डायरेक्शन करने लगे। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि दर्शकों को पता ही नहीं चला कि तारामती का किरदार करने वाला असलियत में एक लड़का है, लड़की नहीं। अन्ना हरी सालुंके का जन्म 1897 में मुंबई में हुआ था। फिल्म इतिहासकारों के पास उनसे जुड़ी कोई जानकारी तो नहीं है, पर माना जाता है कि उन्होंने दादा साहेब फाल्के के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। जहां दादा साहेब बड़े जिद्दी किस्म के इंसान थे, तो वहीं अन्ना सालुंके शांत स्वभाव के थे। राजा हरिश्चंद्र के रिलीज के बाद तो बाकी लोगों ने भी फिल्म निर्माण में नसीब अपना के देखा, और ताज्जुब की बात ये थी कि हर एक फिल्म हिट हो जाती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस जमाने में हिट और फ्लॉप का कोई फॉर्मूला नहीं था। फिल्मों से इतनी कमाई होती थी कि पहले ही दिन प्रोड्यूसर नफा कमाने लगे थे। दादा साहेब फाल्के की अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर थी। इस फिल्म में पहली बार कोई महिला बतौर अभिनेत्री कास्ट हुई थी। उसका नाम था दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले। असल में ये दोनों माँ बेटी थी। इनकी कहानी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अन्ना सालुंके टेक्निकल विभाग में इतने व्यस्त हुए कि उन्होंने अभिनय करना छोड़ ही दिया था, परंतु जब दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र की रीमेक बनाने का फैसला लिया, तब भी तारामती का किरदार उन्होंने अन्ना सालुंके से करवाया, बजाय इसके कि उन्हें इस किरदार के लिए अभिनेत्री मिल सकती थी। उसके बाद 1917 में अन्ना सालुंके ने एक और इतिहास रचा। इस साल रिलीज हुई फिल्म लंका दहन में वे राम के साथ सीता के किरदार में भी दिखे थे। आप ये भी बोल सकते हो कि बड़े पर्दे पर डबल रोल करने वाले पहले एक्टर भी अन्ना सालुंके थे। 1920 के जमाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार बढ़ा, परंतु इस बात से दादा साहेब फाल्के नाखुश थे। असल में हुआ यूं कि उन्होंने फाल्के फिल्म कंपनी में अनगिनत शेयर होल्डिंग बनाकर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी कर लिया। शुरुआती फिल्में सुपरहिट होने के बाद शेयर होल्डर्स को पैसे मिले नहीं,
इस कारण से बाकी लोग दादा साहेब फाल्के के खिलाफ जाने लगे। ऐसे में तंग आकर उन्होंने अन्ना सालुंके को अपनी जगह बिठाकर फिल्म जगत से संन्यास लेने का निर्णय लिया और वे काशी बस गए। इस घटना के बाद हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और सारे कलाकार दूसरी कंपनी में चले गए। बात सिर्फ अन्ना सालुंके की करें तो उन्हें एक्टिंग से ज्यादा कैमरे के पीछे रहना पसंद था, पर जब भी दादा साहेब फाल्के ने उन्हें किसी महिला का किरदार करने को कहा तो उन्होंने बिना सवाल किए काम किया। बतौर अभिनेत्री अन्ना सालुंके 1923 तक काम करते रहे। राजा हरिश्चंद, सत्यवादी राजा हरिश्चंद, लंका दहन, सत्यनारायण, बुद्धदेव, इन 5 फिल्मों में उन्होंने महिला का किरदार निभाया था, बजाय इसके कि उस जमाने में ढेर सारी अभिनेत्रियां आ चुकी थीं, जिसमें फातिमा बेगम का नाम सबसे ऊपर था। इनकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1923 के बाद अन्ना सालुंके ने लगभग 50 फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी की, पर फिल्म जगत की उल्टी दिशा देखकर वे वंचित हो गए। साथ ही दादा साहेब फाल्के की बर्बादी देखकर वे बड़े व्याकुल हो गए। इसलिए बिना किसी को कुछ पूछे उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। दुर्भाग्य ये भी है कि वे कहाँ गए इस बात की जांच किसी ने नहीं की, और आधुनिक भारत में फिल्म जगत की नींव रखने के कार्य में अनमोल योगदान देने वाले अन्ना सालुंके 1952 में गुमनामी में चल बसे।